वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यशु व्लॉग्स में। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, जस्ट बिकॉज मैं जाने वाला हूँ अपने होम टाउन उत्तराखंड, और साथ में ही मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ वहाँ के एक बहुत पुराने टेम्पल को जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मेरे को भी नहीं पता था। जस्ट मेरे कज़न वगैरह ने मुझे बताया कि वो टेम्पल बहुत ही पुराना है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जाने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया होने वाला है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो चलो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाय। तो गाइस फाइनली मैं अपने होम टाउन पहुँच चुका हूँ और अभी जस्ट मैं अपने गांव के नीचे हूँ। यहाँ से हमें पैदल लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है, और ये सामने आप स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हो, ये यहाँ पे पुरानी शॉप्स हुआ करती थी जो लगभग टूट चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कम पॉपुलेशन की वजह से शॉप वगैरह चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। और ये जो स्ट्रक्चर है लगभग 300-400 साल पुराना है, और ये जो सामने रोड देख रहे हो ये हमारे गांव के लिए ऊपर रोड जा रही है, और ये अभी काफ़ी कच्ची है, ये प्रॉपर पक्की नहीं बनी है। तो या तो आपको ऊपर जाने के लिए स्पेशल गाड़ी वगैरह बुक करनी पड़ती है, अगर वो नहीं कर सकते तो लगभग आपको पैदल ही चलकर ऊपर जाना पड़ता है। और आजकल काफ़ी गर्मियाँ हैं और भाई गर्मियों में चढ़ाई चढ़ने में हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो स्टिल क्या करें, हमें चलना तो पड़ेगा ही, तो चलो चलो। वह ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया मैंने, और अभी हम मंदिर वगैरह में दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये हमारे गांव का एक छोटा सा मंदिर है, और हमारा भाई हमारे लिए अम्ब्रेला लेकर आया था, तो भाई इसे लेके चलते हैं ऊपर, और गर्मी से थोड़ा बहुत बचते हैं, बट स्टिल क्या करें, गर्मियाँ बहुत हो रही है तो छाते से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ने तो नहीं वाला, बट स्टिल हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। और भाई हालत देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और शर्ट वगैरह पूरी वाइट हो गई है मेरी। हफ्ते पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मैंने गांव आने के लिए, ताकि ये दिन ना देखना पड़े मुझे। गाइस चलते चलते मैंने कुछ सुंदर सुंदर से वीडियोस वगैरह शूट करी अपने गांव की, कुछ लोकेशंस की, कुछ मंदिर की, तो चलो चलते हैं आप लोगों को कोई नहीं दिखाते हैं। अभी नजदीक आई लो तो गाइस गांव में अभी बहुत मजा आ रहा है, और अभी देख रहे हो ये बाय रोड में जा रहा हूँ उस साइड जहाँ पे रोड बन रही है, तो चल के वहाँ से अपना गांव देखते हैं यार, और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ नया हो रहा है। और मेरे साथ मेरा दोस्त और मेरा छोटा भाई है, ये देखो बाय। तो गाइज इस रास्ते मैं अपने स्कूल जाता था जब मैं फर्स्ट क्लास में था, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास गांव में ही करी है। और ये जो घर दिख रहा है वाइट कलर का, यही मेरा स्कूल था। तो गाइस जो सामने रोड है ये हमारे गांव से रोड जा रही है दूसरे गांव के लिए, और ये अभी हाल में ही बन रही है, और इस पर अभी भी काम चल रहा है, तो बारिश वगैरह के करके इसमें काम वगैरह रुका हुआ है। तो चलो चलते हैं इस रोड में थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए, और सामने से आपको अपना गांव दिखाते हैं, तो हमारे गाँव का व्यू कुछ ऐसा सा है। तो जैसा कि गाइस मैं पूजा के सेकंड लास्ट डे वाले दिन आया था, तो रात को पूजा स्टार्ट हो गई, बट मैं जल्दी सोने चला गया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। और चलो आपको दिखाता हूँ कि रात में पूजा वगैरह कैसे होती है।
तो बस इसी तरह पूरी रात तक मंडाण वगैरह लगाए जाते हैं और इसके साथ ही सुबह तक ऐसा ही किया जाता है। और आज पूजा का आखिरी दिन था तो आज मूर्ति वगैरह की जो स्थापना वगैरह की जाने वाली थी और मूर्ति का स्थान और मूर्ति को पवित्र किया जाता है ताकि उसे मंदिर में स्थापित किया जा सके। तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपने कुलदेवी देवताओं के मंदिर चला गया क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने पुराने प्रार्थना और पूजा की जाती है तो कोई भी शुभ कार्य उन्हीं से ही शुरू किया जाता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल कैशू व्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं गंडियाल धार। गंडियाल धार में तब हमारे देवता हैं तो हम उनको जब भी हमारे गाँव में कुछ भी शुभ कार्य होता है तो हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं, दिया वगैरह जलाने जाते हैं। तो अभी मेरे साथ के जो लोग हैं वो आगे चले गए और अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारा गंडियाल धार का जो मंदिर है वो भी नया बना है। तो अभी वहाँ चल के दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे और कैसी लोकेशन पे हो, बहुत अंदर जाके जंगल है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो वैसे आजकल जंगल बहुत सूखे सूखे और ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आजकल बारिश वगैरह नहीं हो रही है और जंगलों में आग वगैरह लग रखी है और जो जंगल के रास्ते वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं क्योंकि जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां सूख के नीचे गिर रखी हैं और जिससे फिसलन वाला रास्ता हो रखा है। तो भाई हमें भी जाने में बहुत डिफ़िकल्टीज हुई हैं। और गाइस जो हमारे गाँव का ये जो मंदिर है जो कि गाँव से 6-7 किलोमीटर दूर बना हुआ है तो यहाँ पर कोई रोड वगैरह नहीं है तो गाँव के लोगों ने ही आपस में मिलकर इस मंदिर को बनाया है। और मंदिर को या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर को बनने में जो भी सामान लगता है, रेत पानी या सीमेंट वगैरह जो भी आपको पता है वो सब हमारे गांव के लोगों ने खुद ही यहां तक पहुंचाया है, खुद ही मतलब कंधे वगैरह पे रख के या जैसे भी पॉसिबल हो सकता है उन्होंने यहां लाया है और मिलकर इसे बनाया है। तो गाइस फाइनली दर्शन वगैरह हो गए और अब हम घर जा रहे हैं। और तो मैं आज अभी बताता हूँ आपको मैं गाँव क्यों आया था। तो हमारे गाँव में मंदिर बन रहा है माता जी का तो इसलिए मैं गाँव आ रखा था। तो अभी माता जी की डोली को हम घर से प्रस्थान करेंगे, उसकी पूजा वगैरह चल रही थी 2-3 दिन से। तो अब फाइनली अब हम मूर्ति को मंदिर में जाके स्थापित करेंगे और मैं आगे दिखाऊंगा आपको जो हमारे गांव में नया मंदिर बना है और मूर्ति वगैरह का और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं गांव में वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच और वीडियो में बने रहना। तो अभी के लिए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस पूजा फाइनली ख़त्म हो चुकी है और माता जी की मूर्ति को गंगा जल से नहलाकर और सारे रीति रिवाजों द्वारा पूजा जा चुका है और गांव के सभी लोग माता जी की मूर्ति का आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं और माता जी की मूर्ति को मंदिर तक डोली में ले जाया जाने वाला है। तो चलो चलकर इस अद्भुत से व्यू को इंजॉय करते हैं। आज मेरा डे 3 है उत्तराखंड में और अभी मैं जा रहा हूँ भैरोघाल। तो भैरोघाल यार हमारे यहाँ का बहुत फेमस टेंपल है और वहाँ मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि मंदिर क्यों बना है और मतलब किसके ऊपर बेस्ड है। तो अभी चलते हैं और रास्ता एंजॉय करते हैं। तो अभी मेरा भाई आ रहा था तो मैं उसको वेट कर रहा हूँ। और यहाँ की जो लोकेशन है भाई बहुत अच्छी है, पीछे देख सकते हो आप कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो अभी चलते हैं और साथ के साथ आपको मस्त रास्ते देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम भैरोघाल टेंपल पहुंच चुके हैं और हमारे गांव से यहां का डिस्टेंस है जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में होगा। और यहां की जो रोड्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और यहां जो आप सामने देख सकते हैं यहां पे सिर्फ 1 से 2 ही शॉप हैं प्रसाद वगैरह के लिए और यहां पे कोई स्टे वगैरह के लिए आपको होटल नहीं मिलेगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भैरव जी का मंदिर है वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बना रखा है, और ये मंदिर लगभग 300 से 400 साल पुराना कहा जाता है। और यहाँ के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे आके आप कोई भी अपनी मन्नत वगैरह मांगते हो तो वो ज़रूर पूरी होती है, और यहाँ पे हर रोज़ भंडारा वगैरह लगता है, और भंडारे में आपको जो बकरे वगैरह की आके लोग बलि चढ़ाते हैं उसका ही आपको प्रसाद जो मिलता है। आपका जो बेसिकली प्रसाद है वो मीट रहता है, और यहाँ पे मन्नत पूरी होने के बाद अक्सर लोग बलि वगैरह चढ़ाते हैं। तो गाइस जो मंदिर की लोकेशन है वो काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। और जो यहाँ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे कोई भी आसपास मार्केट नहीं है, जिससे यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है लोगों की, और अगर आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप यहाँ पर अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो गाइस हमने भी यहाँ पर बहुत मज़े किए और फिर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। तो चलो चलते हैं और सफ़र को इन्जॉय करते हैं। तो भाई दर्शन वगैरह हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर के लिए, और जो मंदिर था यार वो भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ पे बलि वगैरह चढ़ती है और प्रसाद में बलि मिलती है सबको, मतलब जो भी होगा उनका तो प्रसाद वगैरह में आप वहाँ पे नारियल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं वैसे तो, और बाकी वहाँ पे मतलब मोस्टली लोग बलि वगैरह ही चढ़ाते हैं और प्रसाद में जो बलि का जो मांस होता है जो मीट होता है वो ही मिलता है। तो मैं तो नॉनवेज खाता नहीं तो इससे मैंने प्रसाद वगैरह लिया भी, और जो मंदिर है यार वो बहुत अच्छा है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और अभी हम घर जा रहे हैं, और जो रोड वगैरह यार यहाँ पे बहुत अच्छी बन रही है यार, एकदम स्मूथ रोड है, और यहाँ पे गर्मी तो हो रही है बट थोड़ा हम हाइट पे है काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, बट मेरे गाँव में यार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे आके थोड़ा सा सही लग रहा है, बट धूप भी बहुत है तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और हाथ पूरे जल चुके हैं। तो गाइस इट्स डे 3 जिसमें मुझे अब चंडीगढ़ वापस जाना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से सनराइज़ मुझे देखने को मिला अपने तीसरे दिन में, और मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता इतना सुंदर सा मतलब माहौल हो रखा था चारों तरफ, जो धूप पड़ रही थी हल्की हल्की बहुत सुंदर लग रही थी। और ये रहा माता जी का मंदिर, तो हम अपने सफ़र की शुरुआत करने से पहले माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जब मुझे चंडीगढ़ जाना है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वैसे चंडीगढ़ जाने का, क्योंकि यार गांव में बहुत मज़ा आ रहे थे और मेरे दोस्त वगैरह भी आ रखे थे तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता शाम को घूमना फिरना और मज़े करने यार दूर दूर तक जाना, बट क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। और अभी मैं अकेले ही जा रहा हूँ नीचे, और रास्ता देखो यार कैसा, और जाते जाते भी पूरा पसीना आ रहा है यार, और बैग भी बहुत भारी है मेरे पास, बट क्या करें जान तो है, और नीचे गाड़ी आने वाली है मुझे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट रहूँगा, तो वहाँ नीचे जाना है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए, होपफुली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, और इसी तरीके से व्लॉग्स आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं, अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।